दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना में आप 50 से आगे चल रही है, वहीं चुनाव आयोग ने भी आम आदमी पार्टी को 40 से ऊपर की सीटों पर आगे बताया है। अगर हम दिल्ली में पार्टियों के प्रत्याशियों और उनके चुनाव क्षेत्रों की बात करें तो ज्यादातर सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने अपनी बढ़त बना रखी है। नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से 2000 से ज्यादा मतों के अंतर से दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल आगे हैं। पहले दौर की मतगणना के बाद आम आदमी पार्टी की राजकुमारी ढिल्लो हरिनगर से भाजपा के तजिंदर पाल सिंह बग्गा के आगे हैं। आम आदमी पार्टी के जरनैल सिंह पहले दौर की काउंटिंग के बाद तिलक नगर से आगे हैं। वहीं चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी के प्रहलाद सिंह सहनी 6000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। वहीं इस सीट पर कांग्रेस की अलका लांबा और बीजेपी के सुमन कुमार गुप्ता बहुत पीछे हैं। मॉडल टाउन से जहां पहले बीजेपी के कपिल मिश्रा आगे थे, वहीं अब आम आदमी पार्टी के अखिलेश पति त्रिपाठी आगे हैं। लेकिन वहीं पटपड़गंज सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कुछ वोटों से बीजेपी के रवि नेगी से पीछे हैं। मालवे नगर में आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती आगे चल रहे हैं। बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता रोहिणी में 1000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। हमारा जो अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फैसला होगा, उससे जरूर हम अभी तक का जो निर्णय है, रुझान है, वो थोड़ा गैप है, लेकिन जिस तेजी से वो गैप पट रहा है उसमें कुछ भी हो सकता है, बट मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा। दिल्ली का जिस तरह से रुझान आ रहा है, अभी भी मैं आशान्वित हूँ।